दोस्तों आ चुका है प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 हेतु कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय का फुल सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, पहले भी एक मैंने वीडियो अपलोड किया था कक्षा 10वीं अंग्रेजी विषय का। उस वीडियो पर कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें प्रश्न क्रमांक 11 नहीं मिला, प्रश्न 12 नहीं मिला। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको सभी प्रश्नों का उत्तर A to Z जितने भी प्रश्न हैं अंग्रेजी विषय में उन सभी का उत्तर पूरी आप इसको देख सकते हो दोस्तों, कॉपी का ही पूरा मैं बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारे विद्यार्थियों के द्वारा जो हमारे द्वारा तैयार करवाया गया है उसी तरह का पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो पूरा का पूरा आपको इसी प्रकार से लिख लेना है दोस्तों। ये दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 का पूरा उत्तर है, आप पूरा इसको लिख लें और नोट कर लें। उसके नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर है। जी हाँ दोस्तों, ये दो पेजेस दिए गए हैं, उन दोनों पेजेस के उत्तर हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी इसका आधा भाग यहाँ पर है, तो आप पूरा इसको लिख सकते हो। ये अलग ही प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर हैं सभी। और आगे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो नोट मेकिंग समरी पूछी गई है, तो नोट मेकिंग समरी ये है, आप देख लेना। इस प्रकार से आपको नोट मेकिंग समरी बना लेनी है दोस्तों। सभी नोट्स बनाए गए हैं क्योंकि तो यहाँ पर कॉपी की थोड़ी समस्या की वजह से यहाँ पर लिख दिया गया है। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये है, आप पूरा इसको नोट कर लीजिएगा ये पूरा। और आगे देखें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, तो आप इसको पूरा लिख लें। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये आपने पूरा नोट कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 9 का भी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर लिख देने हैं। जी हाँ दोस्तों, और आगे देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के ही कुछ ये बचे हुए भाग है, आप इसको भी लिख लीजिएगा। और आगे अगर देखें दोस्तों तो आपको समस्या थी कि क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर नहीं मिल रहा, तो ये रहा दोस्तों 11 का उत्तर। और आगे अगर देखें तो अगला उत्तर ये रहा, आप इसको देख सकते हो। और इसी क्रम में अगर आगे देखें तो उसी में क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों अगर आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 में कितने प्रश्न पूछे गए थे आप उस हिसाब से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला आंसर ये, एक ये दूसरे का है, और ये तीसरे का ये रहा दोस्तों, और चौथे का आंसर ये रहा। तो आपको उतने ही करने हैं दोस्तों, वहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं उस हिसाब से लगभग 4 या 5 पूछा था करने को, तो यहाँ पर किए गए हैं। आप पूरा इसको देख सकते हो दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 प्रश्न, तो पूरे 6 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। आप क्वेश्चन नंबर 11 में इंस्ट्रक्शन में पढ़ सकते हो कि आपको कुल कितने क्वेश्चन इसमें से हल करने हैं। आगे बात की जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 के सभी उत्तर। जी हाँ दोस्तों, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला उत्तर है, तो आपको इसमें शायद 2 ही प्रश्न करने होंगे, तो आप इसको देख लीजिएगा, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। आगे देखें तो दोस्तों तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर पूरा आप देख सकते हो, 1, 2 पूरा आपको इस प्रकार से लिखने हैं दोस्तों। दो क्वेश्चन नंबर 13 में से आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन के आंसर लिखने थे, तो ये दूसरे वाले का है और ये तीसरे वाले का है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको भी नोट कर लिया होगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे अगर देखें यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ये रहा दोस्तों, पूरा आप इसको नोट कर सकते हो। और आगे देखें तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 14 का तीसरा जो है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपने इसको भी अच्छे से नोट कर लिया होगा, बराबर इनको नोट कर ले यार, आपको मेन समस्या इन्हीं प्रश्नों में आ रही थी, तो आप पूरा इसको नोट कर ले। और आगे देखें तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 15 का पूरा ये आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 16 का और वाला आंसर ये रहा दोस्तों। तो आपने उम्मीद करता हूँ कि पूरा अभी तक का नोट कर लिया होगा सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, तो आपने ये पूरा नोट कर लिया। सेक्शन सी का जो दोस्तों, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 8 जो रह गया था उसके आंसर सभी ये हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आपको एक थंबनेल मिलेगा, हैंड स्क्रीन जिसे कहते हैं, उसके ऊपर आप क्लिक करके आप डुएल डायरेक्टेड जरूर बनाना सीख ले यार, सभी वीडियो देख ले, उस वीडियो में बताए गए लगभग 6-7 वीडियो है, आपका पूरा ही क्लियर हो जाएगा। पर फिर भी अगर आपको समय नहीं है तो कम से कम आप इतना जरूर कर ले, ये लिख ले क्वेश्चन नंबर 8 का पूरा ये आंसर है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पूरा ये है, क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है दोस्तों, उसका पूरा आंसर यहाँ पर दिया गया है। वंडर ऑफ साइंस का निबंध क्या पूछा गया था इसमें, जो कुछ भी है आप इसको पूरा देख लीजिएगा, और इसके अलावा कुछ प्रश्न के उत्तर ये है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपने देख लिया होगा दोस्तों। और आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये है, तो ये पूरा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। तो ये जो चित्र दिया गया था क्वेश्चन नंबर 6 में, उसके ऊपर पैराग्राफ लिखना था, तो ये पूरा पैराग्राफ दोस्तों आपको इस प्रकार से पूरा लिख देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपने नोट कर लिया होगा। आगे देखें तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में एप्लीकेशन पूछी गई थी, तो आपको ये एप्लीकेशन पूरी लिख देनी है दोस्तों। तो ये पूरा दोस्तों सॉल्यूशन हो चुका है, उम्मीद करता हूँ कि पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ में इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्कार।